देखिए एपी में अब जैसे आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आते हैं या 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, देखो जैसे 1 मार्क क्वेश्चन अगर मैं आपका एक आपको परफॉर्मा आपको फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ आपका, देखो ना, राइट द एंथ टर्म ऑफ द एपी 1/k कॉमा 1+k/k एंड नो कॉमा 1+2k/k तो जब आप इसका सॉल्यूशन आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए बी एंड डी इज द कॉमन, ये आपने किया। उसके बाद एपी इज इक्वल टू 1/k 1+k/k और आपका 1+2k/k या इसको एपी को आप ऐसे लिखते हैं, एपी इज इक्वल आपका देखो इस फर्स्ट टर्म इस सेकेंड टर्म इस थर्ड टर्म और वैसे भी आपका नाम दिस इज नोन एज आपका इनफाइनाइट एपी बिकॉज द लास्ट टर्म इज नॉट प्रेजेंट। आपको निकालना क्या है, इसमें निकालना क्या है, nth टर्म आपको निकालना है। nth टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस ऑरली बिल्कुल मत निकालेगा। a2 - a a2 का मतलब 1+k/k माइनस फर्स्ट टर्म 1/k k आप एलसीएम ले लीजिएगा, ये d आप निकाल रहे हैं। इधर सेम डिनोमिनेटर यू हैव इन द आपका नाउ इन द डिनोमिनेटर तो एलसीएम लेने पे आपका इन द डिनोमिनेटर आर सेम तो आपका देखो सेम न्यूमरेटर आपका आ जाएगा तो 1+k-1 इससे खलास हो गया तो k/k हो गया आपका तो ये डी आपका कॉमन डिफरेंस आपका। इसके बाद nth टर्म आपने निकालना है, nth टर्म का मतलब an इज इक्वल टू a+n-1 इनटू डी, ये आपका nth टर्म फॉर्मूला है। जैसे ए एन आपने निकालना है, ए आपका व्हाट इज 1/k प्लस इसमें आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, कुछ रखेंगे या ऐसे ही रखेंगे, ये आपका ऐसे ही रहेगा n-1 डी की जगह में आपका वन आ जाएगा, ए एन इज 1/k और प्लस ये आपका n-1 आपका रहेगा तो ए एन इज 1+ देखो ए एन के माइनस के अपॉन के दिस इज द nth टर्म आपका ये। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप 1+k कॉमन ले लीजिएगा एन आई माइनस 1/k ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आपका। देखो आपने ऐसे करना है, प्लीज देखिए सेकेंड क्वेश्चन में ये भी 1 मार्क का ऊपर लिखा हुआ है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑन ए बी, ये दिया हुआ है आपका। इसका भी जब आप सॉल्यूशन करेंगे लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, ये लाइन आप जरूर लिखेंगे। उसके बाद देखो a21 - a7 इज इक्वल टू 84 ये आपका गिवन दिया हुआ। अब यहाँ देखो ये एक्चुअल में a27 या a7 जो भी है आपका नाम a21 और 7 an इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी से ही आया होगा आपका। कैसे आया होगा, एन इज इक्वल आप जरा 21 रखिए आपका नाम देखो दिस इज द, तो ये इससे पता लग जाएगा कि इसके जगह में मैंने क्या लिखा, a21 की जगह में देखो आपका क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो a21 इज इक्वल टू a+21 - 1 इंटू डी तो आपका a+21 a21 को आपने a+20d लिखा तो मैंने ऐसे a7 को आप a+6d लिख देंगे इक्वल टू 84। सो ना a+20d माइनस ए और -6d इक्वल टू 84, इसमें से ये खल्लास हो जाएगा लाइक टर्म थे 20 में से 6 जाएंगे दैट इज 14d इज इक्वल टू 84 तो d इज इक्वल टू 84/40 ये आपका देखो प्रॉपर एक्नोलेजमेंट बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। कितनी बार काटो कॉमन डिफरेंस आपका ये 6 आ गया। डू इट प्लीज।
क्वेश्चन नंबर थ्री भी वन मार्क्स का है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहले व्हेन यू विल डू द सॉल्यूशन, लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। लाइन लिखने के बाद देन आपका ए पी इज इक्वल टू आपका ये कर्ली ब्रैकेट में यू हैव टू राइट 15 होल 1 बाई 2 13 एंड आपका लास्ट टर्म माइनस 47, लास्ट टर्म माइनस 47 है। इसका मतलब ये आपका फाइनाइट ए पी आपका दिखाई दे रहा है। अगर आप ए पी इसी वर्ड आप देखें 18 या फिर सॉरी पहले आप 18 कॉमा इसको 31 बाई 2 कर दीजिएगा एंड 13 सॉरी 13 और डैश 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 ये माइनस 47 फिर से लास्ट आपका देखो ए पी इसी वर्ड आपका देखो दिस इज द ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म ये थर्ड टर्म एंड आपका देखो ये आपका लास्ट टर्म आपका यही मैंने डिनोट कर दिया इसको देखिए। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस कैन बी फाइंड आउट बाई सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म वट एवर यू फील आपका बेटर यू राइट दिस 31 बाई 2 एंड माइनस 18 इज इक्वल टू 18 टू जा 36 ये आपका नाम बाई 2 दैट्स कॉल्ड द एलसीएम। आफ्टर हिटिंग दिस एंड मल्टीप्लाइंग आपका इट इज कमिंग बैक दिस तो आपका देखो कितना माइनस 5 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 कॉमन डिफरेंस। अब आपका फ्रॉम हियर टू हियर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर आपको n इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। तो नाउ यहां पे आपका नाउ फॉर्मूला अप्लाइड यू राइट नाउ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन दिस इज द लास्ट टर्म माइनस 47 एन इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 18 प्लस एन यू हैव टू फाइंड आउट एंड द कॉमन डिफरेंस इज कमिंग ये आपका माइनस 47 माइनस 18 देखो इक्वल टू एन माइनस 1 और इंटू माइनस 5 बाई 2 माइनस 47 आपका देखो दिस है 8 आपका दिस माइनस 66 हो गया इट इज गोइंग अप आपका देखो और ये आपका इट इज कमिंग डाउन इक्वल टू एन माइनस 1 दिस इज कॉल्ड देखिए ये मैंने किया उसके बाद माइनस 66 आपका देखो दिस क्यों अच्छा इनको ऐड करके कह रहे अच्छा 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 मैंने कहा क्या माइनस 65 हो गया तो ना देखो बस तो 65 टू सा आपका कितना हो गया जी 130 ओवर 5 प्लस 1 ऐसे बढ़े ये आपका ओटी में भी चला गया माइनस 1 इधर चला गया। कल मेरे ट्रांजेक्शन वीडियो आप लोग देखते नहीं पता नहीं क्या बात है आप लोग की सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ही तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा फाइव से आपका देखो फाइव टू जब टेन और सिक्स जब प्लस वन इक्वल टू कहाँ पे जी बिल्कुल होगा बिल्कुल डेफिनेटली ब्यूटीफुल तो आपका हो गया एन एस इक्वल आपका जॉब है 27 तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी यही कंसंट्रेशन आपने रखना है एन इज इक्वल टू 27 यानी कि यहां से लेकर के यहां तक ये जो 47 टर्म्स आप देख रहे हैं जिनमें का कांस्टेंट आपका जो कॉमन डिफरेंस है माइनस 5 बाई 2 का आ रहा है तो आपका ना वो यहां से लेके ये वाला आपका कायदे से 27 टर्म होगा ये याद रख लीजिए। इज इट क्लियर प्लीज डू इट। आप लोग तो ऐसे बैठ गए जैसे रिसेप्शन में भात खाने आए होंगे। सॉल्यूशन नंबर फोर लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस ए पी इज इक्वल टू आपका देखो ना ए सेवन बी दिस ए सेवन बी 23 सी ये दिया हुआ आपका देखो लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। अब आप सबसे पहले देखिए अब कभी भी कोई एपी बनती है एनी एपी विच यू आर फॉर्मिंग देन व्हाट यू वांट आप क्या चाहते हैं आपको क्या चाहिए कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म चाहिए ठीक है ना क्लियर इसका मतलब अब एपी इज इक्वल टू जरा आप ध्यान से देखेगा फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। अब देखिए ए टू इज इक्वल टू सेवन ए टू इज इक्वल टू सेवन सेकेंड टर्म आपका देखो ए टू को आई कैन राइट ए प्लस वन डी इज इक्वल टू सेवन। अब आपका देखो ए फोर इज इक्वल टू आपका देखो 20
3 है. a4 can be written either a plus 3d is equal to 23. क्योंकि अगर आप इसमें हिडन फॉर्मूला देखेंगे, इफ यू सी द हिडन फॉर्मूला, तो हिडन फॉर्मूला का मतलब आपका ना यहाँ पे a2 हो या a4, whatever you have, that is coming from an is equal to a plus n minus 1 into d से ही आता है. अब आप करेंगे, आपने यहाँ पे नाउ इतना आपने लिखा, अब आप करो सेम सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय एलिमिनेटिंग मेथड. एलिमिनेटिंग मेथड, किसी एक को तो ये मंच छोड़ के जाना है अपन आधा को दस. ए प्लस 1d इज इक्वल टू 7 एंड द अनदर इक्वेशन इज ए प्लस 3d इज इक्वल टू 23. बोथ आर द प्लस साइन, सो यू हैव टू राइट ऑन सब्ट्रैक्शन. नहीं लिखोगे तो आपकी गलती है. माइनस में से प्लस गया, माइनस का 2d, देखो माइनस का 23 में से 7 गया, कितना आया माइनस का 16. ठीक है, कितनी देर लगाओगे तो कैसे चलेगा. d इज इक्वल टू 16 बाई 2. आपका दैट्स इट, कॉमन डिफरेंस आपका जो d था दैट्स कमिंग टू. इसका मतलब एक ही नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1 में यू पुट इट. व्हाट इज इक्वेशन नंबर, ए प्लस डी इज इक्वल टू 7 इज द इक्वेशन नंबर 1. सो ए प्लस डी इज 8 इक्वल टू 7, ए इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 7. दिस इज कॉल्ड द ओटी. व्हेन इट द साइन इज गोइंग टू बी चेंज, a is equal to, now this is the first term, this is minus 1. Ab aap kya karoge, iska matlab dekho common difference. Ab aap kya dekho na, this ye jo aayega iska matlab ye second term hai. Second term mein aapka b dekho, b is the third term. B aapka dekho na third term, aap khud hi dekh lijiyega apna naam dekho. इसका मतलब जो सेकेंड टर्म है ए थ्री इज इक्वल टू आपका ए प्लस आपका क्या हो जाएगा 2d का इधर से, ठीक है ना. ए आपका आपका जो ए थ्री क्या है आपके पास b, b माइनस 1 प्लस 2 इंटू डी आपका क्या है आपका b इज इक्वल टू माइनस 1 और प्लस 16, तो b इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 15. चलो ठीक है, आपने बोला तो मैंने कर दिया. इसके बाद नाउ देखिए एफ, अब आपका सी ए फाइव इज इक्वल टू सी आपका नाम ए फाइव. वैसे भी अगर आप 23 में आपका कॉमन डिफरेंस आप ऐड कर देंगे तो आपका वो नंबर आ जाना चाहिए ए फाइव. ए फाइव का मतलब व्हाट, ए प्लस आपका 4 है आपका सी है, तो सी इज इक्वल टू स्वैपिंग कर दे रहा हूं माइनस प्लस 4 इंटू 8, तो सी इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 32 आपका, सॉरी सी इज इक्वल टू 32. इसमें जो इंपॉर्टेंट था फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी लिखा था, ए इज इक्वल टू माइनस 1 आपका जो आपका फर्स्ट टर्म था आपका, देखो बी इज इक्वल टू आपका 15 आपका आया जो आपका दैट वॉज योर थर्ड टर्म, एंड सी इज इक्वल आपका 31 आया दैट वाज योर आपका फिफ्थ टर्म आपका देखो, एंड एच इज डी आपका जो था मेरा कॉमन डिफरेंस आया, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, एम आई राइट, डू इट सर. इसका सॉल्यूशन देखेगा, लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस. इन सवालों को वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसको एक्चुअल में 8 की मल्टीपल टेबल पे भी थोड़ा सा ध्यान होगा. आप देखो 8 की मल्टीपल में 8, 8 की मल्टीपल में आपका ना 16 आता है, 24 आता है, 32 आता है, 40 आता है, 48 आता है, क्यों बता रहा हूँ आपको मैं, ये आपका 56 आता है, 64 आता है, और उसके बाद 72 और फिर आपका देखो
86420 86420, यानी कि ये नंबर देखिए आपके नाम, इसका मतलब द एपी विच यू हैव टू मेक एंड द नंबर्स मस्ट बी इन बिटवीन ऑफ 200 टू आपका 500. तो फर्स्ट नंबर जो 200 से ऊपर हो या 200 भी हो बट इट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, तो आपको क्या लगता है कौन सा नंबर आना चाहिए जी? 208, दैट्स ब्यूटीफुल. उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा? नहीं, बिटवीन 200 पे 8 से डिवाइड पूरा नहीं होता ना, वो नंबर 200 से 500 के बीच में चाहिए जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, तभी डिविजिबल बाय 8 है. देन द फर्स्ट नंबर व्हिच इज अ थ्री डिजिट नंबर एंड इन बिटवीन ऑफ 200 टू 500 मींस मोर देन दिस 200, द फर्स्ट नंबर विल कम आपका नाम. देखो दिस इज द, बिकॉज दिस 208 या 208 दिस इज डिवाइडेड बाय 8 कंप्लीटली, इसमें आपका नाम 216. एंड द लास्ट नंबर विच इज वेरी नियर टू 500 बट दैट इज डिवाइडेड बाई आपके नाम दिस 8, तो मेरे हिसाब से 496 को जरा आप चेक कर लीजिए. आप क्या कह रहे हैं मेरी समझ में आ रहा है? 200 से 8 कैसे डिविजिबल हो सकता है? बिल्कुल सही है, लेकिन इन बिटवीन, बिटवीन लिखा हुआ बिटवीन, इसका था 200 से ऊपर, 200 इन 200 आता है, आपने बिल्कुल सही बोला, इसमें कोई बिटवीन उसमें 200 इंक्लूड नहीं होगा. ठीक हो गया? बिल्कुल. A2 एंड दिस इज द लास्ट नंबर. मैंने कहा क्या कह रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A. आपको पता है उसके बाद भी आपको ना देखो कॉमन डिफरेंस ऑरली डिविजन बाय 8 है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 8 ही होगा. अब यहां से लेके यहां तक जो नंबर इन बिटवीन ऑफ 200 टू 500 है, आप डिविजन बाय 8 कितने नंबर्स होंगे आपके नाम? लेट देयर आर एन नंबर्स इन बिटवीन ऑफ 200 टू 500, बिटवीन बिटवीन ऑफ लिखा हुआ, तो आपका देखो ना, तो फॉर्मूला अप्लाइड ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए एन इज व्हाट? दैट इज लाइक 496 इक्वल टू ए 208 एन, यू हैव टू फाइंड आउट एंड कॉमन डिफरेंस इज ए. आई सेड यू ट्रांजेक्शन करना आपको आना चाहिए, फॉर्मूला मैंने दिखाया था. अगर आपको n निकालना है, n निकालने के लिए ए एन माइनस ए अपॉन डी और प्लस वन ऐसे करते हैं, दिस तो ना 496 माइनस 208 ओवर 8 प्लस 1 इक्वल टू ए आपको, तो 296 में से 68 इज 8, यहां से आपका ना 8 आपका आ जाएंगे एंड दिस इज 288 8 प्लस 1 ऐसे करो, इससे काट दीजिएगा 3 = 24 36 + n = 37. चलो द नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 37, ये आपका आ जाएगा. ये आपका क्वेश्चन में आपको ये understand from this question? आप इससे समझे क्या? पहले तो मुझे जरा जो प्रॉब्लम आ रही है, आज भी 9 के बच्चे आपसे पहले प्रॉब्लम लेके आए थे, मैंने कहा इसमें तो कुछ भी नहीं है, बोला सर लैंग्वेज नहीं समझ रहे, तो मैंने कहा लैंग्वेज समझाना सबसे पहले तो आपके स्कूल टीचर का काम है, पहले बोला उनको लैंग्वेज समझाइए फिर मैं
हालांकि मेरा तो काम तो पढ़ाना है, कोई मैं आपके स्कूल से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन फिर भी आप क्या समझ रहे हैं इसका मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कहां से आएगा वो? ऐसे सवाल कराए नहीं कराए, नहीं कराए तो बोलो करवाओ ना उनको, आगे मत बढ़ने दो, किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट सम ऑफ एनी पी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। जो आदमी ट्रूथ होता ना, जो सच्चा आदमी, मैंने आपको देखा मैंने क्या बोला, मैं इसीलिए कभी कभी खान साहब की तारीफ करता हूँ। खान साहब आते हैं, खान सर आते हैं, देखिए उनको यूट्यूब में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर उन्हीं के 2 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ से ऊपर है, जबकि वो क्या है, वो जीएसटी वाले, वो मैथ वाले नहीं है मेरी तो, वो फिजिक्स वाले नहीं है, केमिस्ट्री वाले नहीं है, बड़े साउंड नॉलेज है उनकी। ईमानदार लोगों को बहुत दिक्कत होती है शुरुआत में, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं हम लोगों को तब जाकर के। ये पूछो उनको, कैसे आप लोग कैसे नहीं पूछते, आप तो बोर्ड के बच्चे हैं, अब आगे से बोर्ड होगा नहीं होगा यही पहले असमंजस में, नहीं होगा आपके स्कूल टीचर ने कह दिया, जब बोर्ड नहीं होगा तो बच्चा तो वैसे ही आपका पास हो रहा है, क्या जरूरत है स्कूल बुलाने की, मत बुलाओ, फीस आपके ले लो घर से, पढ़ता रहेगा, ऑनलाइन ही पढ़ाते रहो जब पढ़ाना है तो, आगे जाके फिर डॉक्टर नहीं है, नेताओं का तो कोई नहीं है, उन्होंने तो यहाँ हिंदुस्तान के डॉक्टरों से मरना नहीं है, उनको तो सीधा फॉरेन में जाना है, उनको तो फॉरेन के लिए है बिल्कुल। लेकिन आप लोगों को अच्छा डॉक्टर बनना है ना, समाज की सेवा करनी है तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा। मैंने कल भी क्या कहा, इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या हुआ, आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर तब बनोगे ना जब आप पढ़ोगे, किसी के आगे आप हाथ नहीं फैला सको, वो मतलब हुआ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस से बना तो डिपेंडेंट तभी होगा अंदर से जब आप पढ़ेंगे आत्मनिर्भर। तो लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट ऑफ ऑल एपी, अपने उसके बाद एपी है, सवाल में कुछ नहीं, आप जो बोल रहे हो मैं भी समझ रहा हूं। 247 एपी इज व्हाट यू फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। पेरेंट्स स्कूल टीचर से क्यों डर रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। कॉमन डिफरेंस बिल्कुल डालिए, मोदी साहब की उसमें डालो, सबके घर में कंप्यूटर है, कंप्यूटर नहीं भी है तो आजकल तो एंड्रॉइड मोबाइल से आपके काम हो रहे हैं, मोदी साहब को डालो। सर ये क्या मजाक बना रखा आपके एजुकेशन सिस्टम ने, 20 दिन का चैप्टर एक पीरियड में खत्म कर देते, जरा समझाइए तो आप वहां बैठ के एसी में क्यों बैठे हुए, आप आइए ना ग्राउंड में आकर के देखिए क्या एजुकेशन की हालत है, ये बोलिए उनको। डे इज गोना आपका देखो 6 हो गया, फ्रॉम दिस 7 टू फर्स्ट टर्म टू लास्ट टर्म हाउ मेनी नंबर्स आर दियर। सबसे पहले तो आपको यहां से लेके यहां तक ये नंबर आपको निकालना पड़ेगा। नाउ लेट द टोटल नंबर एन एन एपी आर एन, तो आप अब यहां पे आपको ना फॉर्मूला यूज, उनको तो क्या है ना कि एजुकेशन, उनको मोदी साहब को भी क्या पता है, मोदी साहब को भी वही बताते होंगे सेक्रेटरी साहब ऐसा नहीं करना, ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, जो उन्होंने नौकरी बजानी है, उन्होंने नौकरी थोड़ा करनी है, उन्होंने उनको क्या मतलब, नहीं तो ड्रॉबैक आईएएस को पता नहीं है, एक आईएएस कैसे बनता है, फ्री में बना गया हो बिना मेहनत के बना है, आईपीएस उसको बताना चाहिए सर, डॉक्टर इंजीनियर के लिए ये बेस क्लियर होना चाहिए। आप बेशक नई नीति लाओ कोई मतलब नहीं, लेकिन बोर्ड तो आपको रखना ही चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर आपने हर स्टेट में अंगूठा छाप बना रखे, उन्होंने क्या करना, उनकी औलादों ने तो निकम्मों ने नेता ही बनना है ना। डॉक्टर आपको बिल्कुल अच्छा चाहिए, A1 क्वालिटी का चाहिए, MD चाहिए, MS चाहिए, ऐसे थोड़ा बन जाएगा कोई MD MS। तो ये लिखो, बड़ा अच्छा कर रखा सर आपने,
गधे भी नहीं आ रहे इतने नंबर तो कहना, जितनी हमको मेहनत करके लाने पड़ रहे। एक ट्रांजेक्शन किया, पहले ओटी में गया आपका, देखो फिर ओटी में गया, फिर आपका देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में गया, ये नीचे आ गया, और फिर ये प्लस वन देखो अलग से, फिर ये आपका नाम ओटी में आया आपका नाम देखो दस। तो 247 में से 7 गया 240 बाई 6 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये खलास n इज इक्वल टू 40 प्लस 1 n इज इक्वल टू 41 टर्म्स। यानी कि यहां से लेके यहां तक द फर्स्ट टर्म इज 7 एंड द लास्ट टर्म इज 247 मींस ये टोटल जो थे आपके 41 टर्म्स। तो नाउ ये 41 टर्म्स आपका क्या ऑड नंबर है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर जब होता है उस समय आपका जो मिडिल टर्म आप निकालते हैं, यानी कि ठीक बीच में कौन सा टर्म होगा आपका नाम, इसका मतलब आप समझ रहे हैं 20 टर्म इधर 20 टर्म इधर और 1 टर्म बीच में वो 21 होगा। आप समझ गए मेरी बात, 21वां टर्म से 20 उधर 20 इधर होगा, तो मिडिल टर्म इज इक्वल एन प्लस 1 बाई 2 का टी एथ। ये कब, जब आप मीडियन निकालते हैं, मीडियन ऑड नंबर और इवन नंबर से आपका नाम, तो आपका 41 प्लस 1 बाई 2 का मतलब 42 बाई 2 का टी एथ जरूर लिख दीजिएगा, टी एथ टर्म कैपिटल टी टर्म टर्म इसे बोला आपका 21st टर्म आपका इज द मिडिल टर्म ऑफ दिस गिवन इट। क्लियर है, फाइन, डू इट प्लीज। कोई आर्ग्यूमेंट, अगर भाई दिवे सपोज के लिए, सपोज अगर ये 41 ना आकर के 40 आता तब क्या करते आप जी, सीधा 41 2 कर देते, 20 आ जाता इवन के लिए, कि n प्लस 1 बाई आपका 2 40 n प्लस n बाई 2 प्लस 1 और प्लस n बाई 2 बाई 2 करते तो 40 बाई 2 तो पूरे 40 में से 20 नंबर आ जाते। क्लियर है आप, ठीक है, अगर आप क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, डू इट प्लीज़।